वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष। हाय आस्था, गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू टू हर्ष। खैर, आज हम बात करेंगे अबाउट लिविंग अलोन और बताएंगे कि आप अकेले कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बात करी। हमारी इंटरेक्शन हुई कुछ सक्सेसफुल उद्यमों यानी कि एंटरप्रेन्योर से और जाना कि कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हमने उनके सफर के बारे में भी जाना कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रो टिप वीडियो। हेलो, माय नेम इज अमित और मैं बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जब आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें जिससे आपको वो इंटरव्यू क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि जॉब इंटरव्यू पर जाने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और जब आप वहाँ पहुँचें तो इंटरव्यू के दौरान आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, हम इसको दो भागों में कवर करेंगे। सो जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि जब आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम का आप विशेष ध्यान रखें। जिस समय आपको वहाँ पहुँचना है उसके हिसाब से आप अपने घर से निकलें और थोड़ा समय से पहले निकलें, ताकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक होता है, तो आपको समय से पहुँचने में मदद मिले। क्योंकि अगर आप लेट पहुँचते हैं और कोई भी बहाना बनाते हैं तो वो इंटरव्यूअर के लिए खास मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने रखता है कि आप टाइम पे पहुंचे। उसके बाद में एक और खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि आप अपने रिज्यूमे की हार्ड कॉपी साथ लेकर जाएं। उसका इम्प्रेशन ये पड़ता है कि इंटरव्यूअर को लगता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस हैं, अपने करियर के लिए सीरियस हैं और आप प्रिपरेशन करके आए हैं। उसके बाद बात आती है, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल सोशल मीडिया पर है वो स्ट्रांग हो, उसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि हर इंसान जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा वो आपके रिज्यूमों को तो पढ़ेगा, आपके रिज्यूमे में से वो सब चीज़ें देखकर आपके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर भी आपको चेक करेगा, आपको ढूंढेगा, आपके बारे में कुछ पढ़ेगा। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें ना हो, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग रखें सोशल मीडिया पर। उसके बाद बात आती है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप किस तरह की ड्रेस पे ध्यान दें, क्या आपका पहनावा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस कंपनी के कल्चर के बारे में थोड़ी रिसर्च करें कि वहाँ पर लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। अगर वहाँ पर लोग सूट पहनते हैं तो आप सूट पहनकर जाएं, अगर वहाँ लोग टाई लगाते हैं, वहाँ टाई लगाने का प्रचलन है, तो आप टाई लगा कर जाएं, जिससे आपका जो एक विजुअल इम्प्रेशन है वो स्ट्रांग होगा। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई कि आपको जाने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। उसके बाद जब बात आती है कि इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी अप्रोच उसको पॉजिटिव रखें, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुने, उसके बाद उसका जवाब पॉजिटिवली दें, कोई भी नेगेटिव जवाब ना दें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मालूम, किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम, तो आप क्लियरली बोलें कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम एंड आई एम रेडी टू लर्न। क्योंकि सीखना भी एक कला है। झूठ बोलकर आप खुद अपनी प्रोफाइल को एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट करेंगे, तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक और चीज़ खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपनी पुरानी कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलें, उससे आपका अपना इम्प्रेशन नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखें कि जो भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उतना ही जवाब दें जितना आपसे पूछा गया है और उसको पॉजिटिव वे में दें। उसके बाद बात आती है
कि जिस कंपनी में आप गए हैं उसके बारे में आपको कितना मालूम है, तो उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उसका बिजनेस क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस किस कंट्री में वो कंपनी ऑपरेट करती है, ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आपको इंटरव्यूअर के जो सवाल होंगे उनका जवाब देने में आसानी होगी। उसके बाद बात आती है कि जो सवाल आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसका आपने जवाब दे दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे सवाल उस इंटरव्यूअर से पूछें कंपनी के बारे में जो आपको नहीं मालूम, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आपके सवाल हों वो पॉजिटिव हों, एंड मेक श्योर कि अगर आप सैलरी और छुट्टियों के बारे में पूछ रहे हैं तो वो अंत में पूछें, स्टार्टिंग में नहीं। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहला जो सवाल पूछें वो यही हो, ऑल अबाउट सैलरी, हॉलीडेज, ये चीज़ें अंत में पूछें, जिससे आपका जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा कि आप अपनी जॉब के लिए सीरियस हैं, आपके लिए प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है, काम इम्पॉर्टेंट है, सैलरी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बाद में। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो एक इंटरव्यू को क्लियर करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। आई होप कि ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी एंड आप भी इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं हमारी दिल्ली की जनता से। ओवर टू यू हर्ष। हाय गाइस, बात करते हैं अपने यंगिस्तान से। मेरे साथ जुड़े हैं मनीष जी और इनसे हम पूछेंगे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जब आप एक शहर में अकेले रहते हैं। मनीष जी, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिक रिक्वायरमेंट तो जैसा कि आपने बताया कि मॉल्स वगैरह ठीक है, बट 5 किलोमीटर भी डिस्टेंस में हो तो चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पास होना चाहिए, बट मेडिकल फैसिलिटी मुझे लगता है कि पास होना चाहिए, है ना। लोकल कन्वीनियंट के लिए जो हमारे ई रिक्शा वगैरह होते हैं, जो लोकल ये सब कन्वीनियंस के लिए होते हैं, तो ये थोड़ा पास होना चाहिए मुझे लगता है। तो पौंडिचेरी में जब आप गए थे तो क्या क्या आपको इनिशियल यू नो चीज़ें करनी पड़ी थी वहाँ के, हाँ, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने? एक्चुअली मेरे को वहाँ लैंग्वेज का सबसे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो है तमिल बोलते हैं, तो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का थोड़ा फेस। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी लोग से मिला, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग से मिला जी, बहुत चीज़ सीखने को मिला एंड एक्सपोजर भी काफ़ी हुआ, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहा वो। वन ऑल्सो आई फेस्ट फूड का, जो साउथ इंडियन डिश जो है वहाँ पे, रसम सांभर जी, क्योंकि हम लोग का तो नॉर्मल यू हार्ड चावल चावल समथिंग लाइक दैट जी जी, एंड वहाँ पे रसम सांभर ज़्यादा होता था, तो ठीक है बट यूज टू हो गए, अच्छा था। तो ऐसा सिंपल रेसिपी क्या है जब झटपट फटाफट बनाते हैं? सिंपल रेसिपी दाल चावल ही हो जाता है, दाल चावल और उसमें आलू डाल दो, बॉयल हो जाएगा। बट दाल चावल और चोखा इट्स वेरी इजी प्रोसेस, राइट, जल्दी जल्दी बनाओ आप, कुकर में दाल और आलू डाल दो, हाँ, हो गया, दाल और चोखा दोनों हो गया, और अगले नेक्स्ट में आप वो कर दो, चावल चढ़ा दो। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो मच। सो गाइज, ये था मनीष जी का कहना, ये था हमारे यंगिस्तान का कहना कि कैसे वो अपने टाइम निकाल के ऐसी फटाफट झटपट फटाफट रेसिपी से एक बढ़िया सा खाना बना सकते हैं अपने लिए। थैंक यू हर्ष। वैसे अकेले रहने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खाना क्या खाया जाए। खाना हम सभी के लिए स्ट्रेस बस्टर होता है और हमें चार्ज्ड अप रखता है डेली स्ट्रगल्स के लिए। Hi guys, I'm Soham here. I'm back again with another breakfast recipe. Today, we're going to be making a turbocharger smoothie and we're not going to need any of these for it. So, once again, it's smart, it's fast and it's tasty. Let's go for it. So, we'll take this mixer bowl and we'll put cashews and almonds. We'll put some flax seeds. We'll put our dark chocolate, around 25 grams. We'll add a little bit of sugar and we'll put some milk. And we'll have a banana. So we're gonna close this off
So which also brings me to the question of the pet shop, that is my venture. So the pet shop, at the pet shop, we don't have a kitchen per se. We are kitchenless. So we visit your homes, we visit your party venues, and we visit cafes like this one. So this is my friend's cafe, my friend Amit. He's running this cafe, this is called Cafe Bomb. So I'm here today, I'm using his kitchen, I'm making my food. Tomorrow maybe I'll go off to your kitchen. So let's get back here. Another thing about being kitchenless is it's also very much environmentally sustainable. Because since I don't have a kitchen and since I don't deliver you food, I just go off to your kitchen and make the food. So I don't have the hassle of packaging. I don't even have to serve you on a plastic plate or with a plastic spoon. Suppose for this smoothie that you're making, suppose someone wants to gulp it down, but maybe more people want to use a straw. So I won't recommend you a plastic straw. I'd rather you go for a paper straw or a bamboo straw like the ones they're making right now. So this is almost done. As you can see, we're almost done with our shake. What I want to tell you guys is, when you're making your breakfast, try to avoid all kinds of packaged foods. Any kind of food that is oily, that is not healthy, that has preservatives. Please try to avoid these kinds of food and always try to have the foods that will get you energy, that will keep you going through the day. Always try to keep in mind that your breakfast is the start of the day and the start of the day should be healthy. Last but not the least, some healthy indulgence, some peanut butter for great taste, and a little milk to make it smoother, and we're gonna blend it. So as you can see, a turbocharger smoothie is ready, and it took what, 4 to 5 minutes max. I'm gonna add a couple of ice cubes because I like my smoothie cold. So your turbocharger smoothie is ready. We're done with our turbocharger smoothie for the day. I'll see you again in the next video with another recipe of mine, which are smart, healthy, and fast. वैसे post workout में तो यही मेरा preferred nutritious drink रहेगा. हम सभी को एक healthy और filling meal बहुत पसंद है और ये तो बनाना भी कितना convenient है. और टाइम है हमारे क्विज का, बस दीजिए इन दो आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं जोमैटो की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹200. पहला सवाल, पाव भाजी कौन से शहर में ओरिजिनेट हुआ? और दूसरा सवाल ये है कि लखनऊ के कौन से कबाब वर्ल्ड फेमस है? जल्दी दीजिए अपने सवालों के जवाब @www.mapofme.in में, और दोस्तों जल्दी कीजिए क्योंकि ये 150 एंट्रीज के लिए ही अवेलेबल है. चलो यार, अब नाश्ता तो हो गया, अब लंच की बारी. तुम्हें तो हमेशा खाने की बहुत जल्दी रहती है. वेल गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी से फटाफट ऐसा क्या बन सकता है जिससे घर की याद भी ना आए, तो देखिए ये इजी टू मेक भिंडी रेसिपीज. मुझे तो डेफिनेटली अपने घर की याद नहीं आएगी ये टेस्टी लंच खा के. वैसे मैं भी अकेली रहती हूँ और प्रॉपर मील बनाने में मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन ये वीडियो देख के आई एम श्योर ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो ही जाएगी. लेकिन आस्था, अक्सर ऐसा होता है कि जो सामान हमें खाना बनाने के लिए चाहिए वो अक्सर होता नहीं, फिर हम भूख के मारे तड़पते हैं
और हम सोचते रह जाते हैं, इसीलिए हमें चाहिए प्लान बी। ये देख के इतना तो मैं समझ गई हूँ कि खाना बनाना किसी के भी बाएं हाथ का खेल है, और जैसे कि हर्ष ने कहा, स्टेप 7 यानी कि प्लान बी बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे 26 स्टेप्स का। जब भी आप कोई प्लान बनाएं तो उस पर रिसर्च करिए और देखिए कि आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर ने भी प्लान बी को एक करियर ऑप्शन रखा। उनको लगा कि अगर एक्टिंग उनके लिए सक्सेसफुल करियर नहीं है तो म्यूजिक को एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन रख सकते हैं, और देखो आज दोनों क्षेत्र में कमाल का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एग्जांपल है दोस्तों, ऐसे बहुत से फेमस लोग हैं जिन्होंने प्लान बी रखा सक्सेसफुल होने के लिए। वेल नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर, तो देखते हैं कि आप अकेले रह के कौन सी इजी टू कुक रेसिपीज बना सकते हैं। राजमा चावल तो वो प्योर क्लासिक डिश है जो हम सभी को बहुत पसंद है। इसे आप लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आप एक बढ़िया शेफ बन सकते हैं। इनफैक्ट हमारे 26 स्टेप्स में प्रैक्टिस एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप होता है। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मीठा खाना तो बनता है, तो आप दीजिए इन दो आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं जोमैटो की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹200। पहला सवाल, पाव भाजी कौन से शहर में ओरिजिनेट हुआ, और दूसरा कि लखनऊ के कौन से कबाब वर्ल्ड फेमस है। फटाफट जवाब दीजिए अपना @www.mapofme.in में, और जल्दी कीजिए दोस्तों क्योंकि ये 150 एंट्रीज के लिए ही अवेलेबल है। सो गाइज, आई होप कि आपको इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप में से जो भी लोग अकेले रहते हैं, काम पे जाते हैं, आपके खाने की प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई होगी। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में। अंटिल देन, बाय बाय।